मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास थर्ड। बच्चों आज मैं आपको चैप्टर 9 मेज़रमेंट ऑफ लेंथ वो कराने जा रही हूँ। मेज़रमेंट ऑफ लेंथ, तो हम किसी भी चीज़ की लेंथ को कैसे नापते हैं, मीटर में, किलोमीटर में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की लेंथ है, जैसे ये कपड़ा है या टेबल है, कुछ भी, उसकी लेंथ कैसे नापते हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। किलोमीटर को हम KM लिखते हैं और मीटर को M लिखते हैं। तो इसी तरह से अब हमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट 15 किलोमीटर इक्वल टू इनटू मीटर। अब 15 किलोमीटर को हमें मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 15 किलोमीटर इक्वल टू उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। उसी तरह से इसको कन्वर्ट करना था, इसमें भी किलोमीटर को 1000 से करेंगे और मीटर को एज इट इज़ ऐड कर देंगे। तो 24 किलोमीटर 650 मीटर इक्वल टू 24 मल्टीप्लाई 1000 मीटर प्लस 650 मीटर, इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को ऐड कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद कन्वर्ट इतने मीटर इंटू किलोमीटर और मीटर, इतने इस मीटर, ये है मीटर, इसको अब हमें किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट करना है। तो जो इधर से 3 डिजिट हैं 2, 6 और 7, इनको छोड़ के बाकी इधर के क्या हुए, किलोमीटर, ठीक है, और इधर के क्या हुए, मीटर। इस इधर वाली अपने राइट हैंड से 3 डिजिट गिनना, 1, 2, 3, ठीक है, 3 तक तो है मीटर और इससे इधर वाले हैं किलोमीटर। तो इनको लिखेंगे, पहले ऐसे लिखेंगे 34,000 मीटर और 362 मीटर। तो 34 किलोमीटर और 362 मीटर हो गया, किलोमीटर और मीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 34,762 मीटर इक्वल टू 34 किलोमीटर 7,062 मीटर, ठीक है। उसी तरह से जब हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हम 1000 से करते थे, यहाँ पे करेंगे 100 से, क्योंकि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 मीटर इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर, यानी 400 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से आप एक्सरसाइज 9A सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपको सम सॉल्व करके दिखा देती हूँ। सेकेंड सम है, 5 किलोमीटर को मीटर में बदलना है, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, 5 किलोमीटर इक्वल टू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 5000 मीटर। उसके बाद है इसको किलोमीटर को मीटर में करना, तो 5 किलोमीटर को 1000 से करेंगे और 4 मीटर को एज इट इज़ ऐड कर देंगे, तो 5004 मीटर। उसके बाद है कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 30 मीटर इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर 3000 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह से इसको सेंटीमीटर को मीटर सेंटीमीटर कन्वर्ट इनटू मीटर सेंटीमीटर, तो 2 डिजिट के बाद ये हो गया 30 मीटर, क्या हो गया, ये 30 मीटर, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 9A पूरी सॉल्व करोगे।